सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव बुल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीएनआरडी के कुछ फिर से कुछ रिक्वायरमेंट निकले हैं जिसके पोस्ट के लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पोस्ट क्या क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उससे कैसे अप्लाई करना है और उसका लास्ट डेट कब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ असम का जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ से पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने आप दिख रहे हैं जो कि आउट हो चुका है पीएनआरडी जॉब्स के लिए। तो इसका जो पूरी डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए गई हैं, जैसे कि देखिए एक तो है www.rural.assam.gov.in या फिर आप www.pnrdhcms.org पे भी जा सकते हैं, जा करके इसका जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आइए मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ ये पोस्ट क्या क्या है। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत है। तो इसमें कुछ पोस्ट इस तरह है, जैसे कि पहला जो पोस्ट है वो है रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसमें एक पोस्ट है, और स्पेशल प्लानिंग एक्सपर्ट एक पोस्ट है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट, और जो रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है उसमें 9 पोस्ट है। तो दोस्तों ये पोस्ट आपको इस सारे पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 16 जुलाई 2018 के लिए। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका जो सैलरी पैकेज है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बता दी गई है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और इसके लिए आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अभी देखते हैं इसके लिए हर पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए और इसमें। जी हाँ दोस्तों, पहला जो पोस्ट है वो है रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इसमें एक पोस्ट है और इसका जो मंथली रिन्यूमरेशन है वो है 35,000। और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट जो 60% मार्क के साथ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, और इसके साथ साथ आपका 3 साल की तजुर्बा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर इंडस्ट्री में। और दूसरा जो पोस्ट है वो है स्पेशल प्लानिंग एक्सपर्ट, इसमें एक पोस्ट है और इसका जो रिन्यूमरेशन है वो है 30,000। और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन GIS रिलेटेड फील्ड, और जिसमें आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क होना चाहिए 50, और इसके साथ साथ आपका 2 साल का तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए GIS इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस। और तीसरा जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इसमें एक पोस्ट है और इसका जो रिन्यूमरेशन है मंथली वो है 15,000। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है बस 50% मार्क के साथ, और इसके साथ साथ आपका 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। और इसमें जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मैंडेटरी है, जैसे कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेट्रा आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, तो इसमें 9 पोस्ट है और इसका जो मंथली रिन्यूमरेशन है वो है 20,000। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इसके साथ साथ आपका जो 2 साल की तजुर्बा किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। और अगर आपका जो इस पोस्ट के लिए आपको प्रेफर किया जाएगा, अगर आप GIS किया है आपने तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो ये भी देखते हैं आपको इसे दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर पे जाएंगे और जा करके आप यहाँ पे टाइप करेंगे PNRDHCMS टाइप करके आप उसे ओके करेंगे। दोस्तों इसका दूसरा वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैं ये जो PNRDHCMS इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मैं यहाँ पे गया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खोलते ही आपको ऐसा दिखेगा। और अगर आपको कोई इंक्वायरी करना चाहिए कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो टोल फ्री नंबर है 1800-123-3230, या फिर आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं pnrdhcms@gmail.com। तो इसमें आप पहला जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो अप्लाई करने के लिए आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए जो 50 KB के हो, जो JPG फॉर्मेट में हो, और आपका जो सिग्नेचर है वो 30 KB हो JPG फॉर्मेट में, और आपका जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 200 KB के PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे एक वैलिड फ़ोन नंबर आपका रिक्वेस्ट मास्ट है, जैसे कि मैंने पहले बोला है, जिसमें एक OTP सेंड किया जाएगा, और आपको इसके साथ साथ आपका SSLC एडमिट कार्ड देना चाहिए, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है पास सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के तहत आपको इस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल दिखाना है, जैसे कि मेट्रिक के एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन करके आपके यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और फिर पासवर्ड सेट करना है, और यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए बस आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड ही चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जो नए व्यूअर हैं उन लोगों ने अगर अपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए ज्ञान टू। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।